दोस्तों आप देख सकते हैं, अब जाके थोड़े से बादल हट रहे हैं। तीन दिन से अब जाके थोड़ा सा नीला नीला आसमान दिख रहा है। कुछ दिन से ऐसा हो रहा मौसम, जैसे आप अभी देख रहे हो ना, ये इधर साइड तो ऐसा था, और अब जाके थोड़ा सा बादल हट रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, और बारिश बिल्कुल एक सेकेंड भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज बारिश को तीन दिन हो चुके हैं, और तीन दिन से लगातार ही बारिश हो रही है, बिल्कुल भी एक सेकेंड भी बारिश रुकी नहीं है। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, अब जाके थोड़ी सी बारिश शांत हुई है, तो मुझे भी घर से निकलने का मौका मिला, क्योंकि तीन दिन से मैं घर के ही अंदर पड़ रखा हूँ। कहाँ जाना है, बारिश ने बिल्कुल बेहाल कर रखा है, और अभी मैं सो के उठ रखा हूँ, तो इसलिए मेरी हालत भी थोड़ी सी ख़राब है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं पर से। हाय हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं अपने गांव की नदियों में, क्योंकि नदियों में पानी काफ़ी बढ़ चुका है। तो ऊपर जब मैं ऊपर से उठा तो मैंने नदी की आवाज़ सुनी, बिल्कुल सू सी आवाज़ आ रही थी। तो मैं आज वही देखने आया हूँ कि कितना पानी बढ़ा है नदियों में। तो चलिए फिर चलते हैं बिना किसी देरी के। ओ भाई साहब, तो दोस्तों हम तो पहुंच चुके हैं हम नदी के सामने, और नदी में काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ चुका है, ये देखिए। तो गाइस, जो ये वाला रास्ता है, ये हमारे पंदर के लिए जाता है ये वाला रास्ता। इस रास्ते में पूरा पानी ही पानी आ चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा नल था पानी का, देखिए वो कितना डूब चुका है यहाँ। और ये हमारा पानी का वो था, जब गर्मियों में जब पानी नहीं आता था तो हम यहीं पे से पानी ले जाते थे, पर इसमें भी आप देख सकते हैं कितना डूब चुका है पानी के कारण। ओ भाई साहब, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना तेज पानी हो चुका है नदियों में। तो गाइस चलते हैं हम नीचे की साइड, तो नीचे देखते हैं और क्या कुछ होता है। मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, पर भाई लोग भी आ रखे हैं नदी देखने इसे तो जानते हैं आपकी रिस्को। रास्ता ब्लॉक, अब मुझे ये पार करना है, अब कैसे करूं मैं इन्हें पार, तुम्हें बताओ भाई साहब कर दूंगा क्या मैं पार? मेरे आंखें भी डोलम डोल हो रहे हैं भाई साहब, और फोर्स भी बहुत तेज है भाई पानी का। नहीं भाई, नहीं नहीं कर सकता मैं, पानी बहुत तेज है भाई यार, कहाँ से करूँ मैं पार अब। ये रोड है, रोड पूरी ब्लॉक हो चुकी है इस पानी के कारण। गर्मियों में ये पानी बिल्कुल हट जाता है, आप देख सकते हैं आप कितना खतरनाक। उस पार जाने के लिए भी कड़ी मशक्कत किया, आप तो जा भी नहीं जा, मैं नहीं जा रहा हार मान ली अंकल जी ने भी तो जो आपने अभी ये अंकल देखे, तो ये दिल्ली से आ रखे थे मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि ये वाली रोड है, नीचे में एक मंदिर है मधु गंगेश्वर महादेव, मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे वो, तो कार में आ रखे थे। तो उस अंकल ने बोला बल मैं पार कर दूंगा, बल आधे में तक गए, उसके बाद वापस देखो पीछे से आगे गाड़ी, ये वाली गाड़ी, तो यही गाड़ी थी, दिल्ली से आ रखे थे ये लोग मंदिर के दर्शन करने, बट फिर से वापस जाना पड़ा उन्हें। मैंने उन्हें बताया, दूसरा रास्ता बताया मैंने उनको मंदिर के दर्शन करने के लिए, मैंने बोला ऊपर से आप जा सकते हो, बट शायद उनको चले गए हो,
अब मैं भी आ गया उस रास्ते से, मेरा भी बस की नहीं था यार, बहाव बहुत तेज है नदी का। तो अब मैं दूसरी रास्ते चलता हूँ और दूसरी नदी को दिखाता हूँ उसमें कितना तेज पानी हो रखा है। चलिए फिर। ये रही नदी और ये यहाँ से आर्या में जाना है यहाँ। तो चलिए फिर। तो हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमने जाना था, दूसरे नदी के साइड। तो यहाँ बाकी लोग भी आ रहे हैं, मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, बट यहाँ भी काफ़ी, मुझसे पहले भी काफ़ी कई सारे लोग आ चुके हैं, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बात है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड नदी, उसमें कितना पानी बढ़ रखा है। आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे, पीछे काफ़ी तेज़ी से आ रही है और मौसम भी काफ़ी मस्त है। देखो आप, तो हम पहुँच चुके हैं पुल में। अब पुल से मैं आप 2 सेकेंड। हम पहुंच चुके हैं झूला पुल में और यहां से मैं आपको दूसरी साइड की नदी का नज़ारा दिखाता हूं कैसा है। ओ भाई साहब। और नीचे दो मूर्ख बांदर, एक वो सचिन ब्रो और कुरली भाई, वो बाहर देखो फोटो शूट कर रहे हैं, और मूड़ी भाई यहां पहले से ही पहुंच रखे हैं। तो मैं बताता हूं, इस नदी को हम बोलते हैं सिवल जल और इस वाली को बोलते हैं हम इगरगदन, क्योंकि 11 गांव से होते हुए आती है इसलिए हम इसे इगरगदन बोलते हैं। और इसको सिवल जल बोलते हैं क्योंकि यहाँ एक किस्म से जल ही जल निकलते हैं, मतलब सीलण बोलते हैं। सीलण नाम सुना है आपने? सीलण मतलब वो नदी से हटके किसी और जगह से निकलता है, तो इसीलिए शायद इसका नाम सिवल जल पड़ रखा है। सिवल जल, जल तो आप समझ सकते हैं। पानी तो कभी ठीक ठाक ही बढ़ रखा है, उतना भी नहीं है, पर जब लगातार बारिश होगी तो उसके बाद जो ये साइड का ये किनारा है ना, ये वाला, तो ये सारा भर जाता है। और जो जब ये वाली आती है ना, तो ये यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक मतलब मंदिर के इधर इधर तक पानी लगभग रहता है। तो भाई ये दर्शन आप भोलेनाथ के कर ही सकते हैं, जय शंकर की। और जब ये दोनों नदियाँ एक साथ मिल जाती है यहाँ पे, तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से इसका नज़ारा हो जाता है, एकदम मस्त। और इधर से सुनहरे सुनहरे बादल जाते हुए मस्त से, तो काफी बेहतरीन बढ़ रखी है इस बार नदी। ये दोनों यहाँ पे मिलती है, दोनों नदियाँ, तो उसके बाद ये दोनों नदियाँ इतना खतरनाक हो जाती है कि कुछ इस प्रकार से, जब नदी तेज होती है तो उस साइड भी पानी चला जाता है, जो उस साइड देख रहे हैं आप उस साइड भी पानी, और जो इतना चौड़ा ये फाटक सा बन रखा है ये सारा पानी में बह जाता है। कुछ टाइम बाद जब बारिश पड़ेगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का कैसा नज़ारा हो जाता है। तो बाकी आज मौसम काफी मस्त सा हो रखा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे उधर से छोटे छोटे बादल से जा रहे हैं प्यारे प्यारे पानी लेके। अब जाके थोड़ी सी 3 दिन बाद आसमान को राहत मिली है बारिश करते करते, और हमें भी, हम परेशान हो चुके थे नहीं तो। और बाकी ये पुल काफ़ी पुराना पुल है, अगर आप इसमें ऐसे ऐसे उछल कूद करोगे तो ये हिलता है। ओ भाई साहब, तो ये इसीलिए इसको झूला पुल बोलते हैं, तो काफ़ी पुराना पुल है। अब मुझे ये नदी पार करनी है और मुझे पता नहीं कैसे पार करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी तेज पानी है। मेरे पास एक आइडिया है, जो ये नल है तो इसे पकड़ के मैं उस पार जाऊंगा। तो डर लग रहा है कि कहीं ये टूटे ना, तो नीचे तो नदी है, बट इस नल से मैं उधर जा सकता हूँ, ट्राई करते हैं एक बार। Thank you.
देखा आपने कितनी आसानी से मैंने वो नदी पार कर ली थी। थोड़ा सा रिस्क भी था पर मैंने कर ही लिया आराम से। तो अब मैं पहुंच चुका हूं घर पे। तो आज गांव में शादी भी थी, तो बारात आने वाली होगी, तो इसके बाद हम शादी में जाएंगे। वहां से भी आपके लिए कुछ अपडेट देंगे। तो इसके बाद हम जाएंगे शादी में, तो अब आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अब आपको शादी में। होने वाला है डांस, उसके साथ गाना भी। जो वहां भी की शाम से हुई ना तो से बात भी बिना मैं तेरे बेवजह बोला हूँ। देखो आज भी करूँ मैं ये गुजारिश मोहब्बत का बोल दे नीलों से मेरी ख्वाब का जर समझा खोल दे तू बढ़ जा बढ़ जा तू मेरी तू बढ़ जा बढ़ जा तू मेरी तू बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा तू मेरी इश्क़ की चाशनी और मिठी मिठी चाशनी मैं न मांगूंगा धूप धुई मैं न मांगूं चांदनी मेरे सीने में कुछ सुन इश्क़ की चाशनी और मिठी मिठी चाशनी इश्क़ की चाशनी
जगह ताली हो जाए। तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है हे कंचन, हे कंचन, हे कंचन।